हेलो गाइस, क्या आप लोग वर्क फ्रॉम होम टिप्स सर्च कर रहे हैं? घर से काम करने में बहुत सारे फायदे हैं, पर उसके साथ साथ प्रोडक्टिव रहना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। काफ़ी लोग कोविड पर टाइम पे अपनी हेल्थ एंड फैमिली को ऊपर रखकर वर्क फ्रॉम होम करना प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो घर से काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 5 ऐसी टिप्स बताएंगे जिनको फॉलो करने के बाद आप वर्क फ्रॉम होम इजीली कर पाएंगे। तो गाइज, अगर आप लोग हमारी तरफ से आने वाली किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज, अब बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में, एंड दैट इज सेटअप योर वर्क प्लेस। गाइज, ये सबसे पहला पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। प्रोडक्टिविटी के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे आपको एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन और साथ ही साथ एक अच्छा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपके घर में खाली जगह है तो आप उसको वर्क फ्रॉम होम स्पेस में बदल सकते हो। बहुत सारे लोग काउच पे बैठ के काम करना प्रेफर करते हैं, पर यह आपके काम करने के अंदर डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है। ये एक रीज़न है कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेस बनाना चाहिए जहाँ आपकी सराउंडिंग शांत हो और आपका पूरा अटेंशन काम की तरफ हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि ऐसी जगह को सेलेक्ट करना जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो, कंफर्टेबल चेयर्स हो। इसके अलावा अपनी ज़रूरी चीज़ें जैसे कि वाटर बॉटल, नोट्स, लैपटॉप, डायरी, लैंप लाइट अपने साथ ही लेकर बैठें। एक स्ट्रक्चर्ड एंड साफ वर्क स्पेस आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी टिप की तरफ, और वो है बैलेंस योर लाइफ एंड वर्किंग आवर्स। क्या आपका ध्यान काम करते करते भटकता है? काफी लोगों के लिए एक जगह पे बैठ के काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप 15 मिनट के 2-3 ब्रेक्स ले लो। अपने काम को और अपनी लाइफ को बैलेंस करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितना आपका काम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत काम हो, तो ऐसी सिचुएशन पे आप अपने मैनेजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो ताकि वो आपके डेडलाइन को एक्सटेंड कर दें। ये जरूरी है कि आप अपनी सोशल लाइफ एंड वर्क लाइफ को बैलेंस करके चलें, और इसके लिए आप एक बैलेंस रूटीन बना सकते हैं, जैसे कि ऑफिस टाइमिंग के 1-2 घंटे पहले उठ के अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना, छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, मीटिंग्स अरेंज करना एक्सेट्रा। तो गाइज, इससे पहले मैं आज के इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज, अब बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी टिप की तरफ, और वो है प्रिपेयर अ डेली प्लानर। गाइज, ये तीसरी टिप है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एक बैलेंस्ड वर्क फ्रॉम होम लाइफ को क्रिएट करने के लिए। घर से काम करना मतलब आपको हर घंटे अपने आप को ट्रैक करना होगा कि आपने अभी तक कितना काम कंप्लीट कर लिया है और कितना अभी करना बाकी है। एक डेली प्लानर की मदद से आप अपने काम को ट्रैक कर सकते हो और जरूरी कामों को पहले कर सकते हो। एक एडवाइस ये होगी कि आप जरूरी डेडलाइंस को पहले प्रेफरेंस दें एंड अपने लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करें। ये आपको अपॉइंटमेंट्स एंड मीटिंग्स का भी ट्रैक रखने में मदद करेगा। आप इसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को याद रखने में आसानी होगी। तो गाइज, अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ टिप की तरफ, एंड दैट इज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया वाइल वर्किंग। आजकल के जनरेशन सुबह सबसे पहले उठकर अपने सोशल मीडिया को चेक करती है, और ये डिस्ट्रैक्शन का एक रीज़न है। तो गाइज, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जिसे आप फॉलो अप कर सकते हो। सोशल मीडिया से डिस्टेंस क्रिएट करने में कई सारे फायदे हैं, जैसे कि ज़्यादा फ्री टाइम होना और उस फ्री टाइम को किसी प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ करना। और इसके साथ साथ ये टिप आपको आपके आसपास के लोगों के साथ में बेटर कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। तो गाइज, अब बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ टिप की तरफ, और वो है कम्युनिकेट विद द टीम। ये एक ज़रूरी टिप है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। घर से काम करना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है इतने सारे मीटिंग्स एंड डेडलाइंस की वजह से। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो डिफरेंट टाइम जोन्स में काम करते होंगे, तो ऐसे में सबसे ज़रूरी होता है अपनी टीम के साथ में कम्युनिकेट करना। तो गाइज, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने मैनेजर्स एंड कलीग्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्काइप, गूगल हैंगआउट्स, जूम, गूगल डुओ,
माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अपना रही हैं, और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो हाइब्रिड मोड को प्रेफर कर रही हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो घर से काम करने को प्रेफर करते हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इन 5 टिप्स के अलावा हमने हमारी वेबसाइट contractjobs.com के ऊपर इसी सेम टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड ब्लॉग को भी पब्लिश किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ये वीडियो अपने नोन में शेयर कर सकते हैं जो लोग वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं। तो गाइज, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारी तरफ से आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड सुरक्षित रहें।